हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है इसका, वो है चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रिया। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। तो इसमें हमको पूरा बायोटेक्नोलॉजी देखना है कि उसका क्या प्रिंसिपल है और किस प्रोसेस से ये होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो जो भी देखें जेनेटिक्स, अभी हमने एक यूनिट हमने पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स वाली यूनिट, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहला जो काम है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, वो किया था बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ई कोलाई यानी बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, उस पे ये वर्क किया था। और उसी के लिए, और उनका जो वर्क है वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था, 1970 में उन्होंने किया था। और इसी के लिए बर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बर्ग नाम के साइंटिस्ट, BERG, ये उनके नाम के स्पेलिंग है, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इन्होंने जो है ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, एर्बर, नेथन्स और बॉयर, तो इन्होंने एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस को, डीएनए को कट करने के लिए यूज़ किया। और फिर उसके बाद कोहेन और बॉयर नाम के साइंटिस्ट ने मैनिपुलेशन किया फॉरेन जीन में और उसको ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया। और उसके लिए फिर वेक्टर्स जो है वहाँ पर यूज़ किए गए थे, प्लाज्मिड और वायरसेस। तो ऐसे जो है पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग चलती है, यानी डीएनए में चेंज करना, टू ब्रिंग अबाउट द डायरेक्ट चेंजेस इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एडिशन ऑफ जीन्स और डीएनए फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, उसमें यदि हम कोई चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब ऐसी टेक्निक्स जिनका यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम, ह्यूमन के लिए जो चीज़ें यूजफुल हो और उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या एंजाइम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। Biotechnology deals with the techniques of using the organism or enzymes to produce product and processes useful to human. यानी human के लिए उपयोगी product बनाने में, processes बनाने में, यदि हम किसी organism या enzyme का use करते हैं और उसके लिए जिन techniques का use किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, biotechnology। Term biotechnology जो है वो सबसे पहले दी थी कार्ल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, कार्ल यूरिकी 1919 में। और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टू इम्पोर्टेंट टेक्निक्स दैट यूज्ड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, दो टेक्निक यूज़ होती है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेरल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टेक्निक्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए में बदलाव लाना, जैसा अभी हमने बोला कि डीएनए में यदि हम कोई चेंज करते हैं, डायरेक्ट चेंज, या आरएनए में जो कि जेनेटिक मटेरियल है, एंड टू इंट्रोड्यूस देम इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फीनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। यानी जब हम उसको चेंज कर लेंगे और उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि उस होस्ट का पूरा फिनोटिपिक कैरेक्टर बदल जाए। जब डीएनए में चेंज होगा तो जो फिजिकल अपीरियंस है, जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप तो ऑटोमेटिकली चेंज होना ही है, तो उसका फिनोटाइप कैरेक्टर्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन यदि हम बोलें तो ये है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
by which important and permanent changes are created in plant and animals by increasing, decreasing, manipulation and transplantation of genetic unit is called genetic engineering. मतलब पौधों और जंतुओं में यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं जेनेटिक यूनिट यानी डीएनए और आरएनए को, तो वो जो टेक्निक है या वो जो ब्रांच है और इसके कारण परमानेंट चेंजेस आएंगे फिनोटाइप में भी, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग. फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, इट इज़ द प्रोसेस टू इनेबल, ये देखिए ये जो है ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस टू इनेबल फ्लो ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल क्वांटिटीज. मतलब केवल हमको डिज़ायर कैरेक्टर लाने के लिए माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री करना है, और केवल हम कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे जो हमको चाहिए, यानी जो चीज़ हमको चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए या यूकैरियोटिक सेल चाहिए, तो उसके लिए. तो ये क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल. तो पहले हम देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है. ये देखिए डीएनए को मैनिपुलेट करना, जैसे आपको इस डायग्राम के द्वारा क्या दिख रहा है कि ये पूरा डीएनए है, देखिए ये डीएनए है. अब इसमें क्या किया, ये जो आपको इतना पार्ट जो है वो कटा हुआ दिख रहा है, ये देखिए इतना पार्ट यहाँ से ये कटा हुआ है ना, तो इसकी जगह ये वाला जो टुकड़ा है इसको ज्वाइन करना. तो इससे क्या हुआ कि डीएनए में चेंज हुआ, और डीएनए में जब चेंज होगा जीनोटाइप में तो फिनोटाइप तो चेंज होना ही होना है, ठीक है. तो ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप्स दी हुई है, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. इससे पहले हम कुछ इसके एम्स देखते हैं कि क्यों करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके उद्देश्य क्या है. तो मेन एम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का इज टू ट्रांसप्लांट द डिस्टर्ब्ड चेन बाय जनरल न्यूक्लियोटाइड चेन. यानी यदि कोई डिस्टर्ब्ड चेन है किसी के न्यूक्लियोटाइड में तो उसको जनरल चेन से ट्रांसप्लांट करना. एंड दिस जेनेटिक डिस्टर्बेंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस और चेन बाय द नेचुरल फैक्टर. और ये गलत चेन कैसे आएगी, वो नेचुरल फैक्टर से ही आती है. और ये जो डिस्टर्बेंस है उससे बहुत सारी डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया. तो इसको नॉर्मल चेन से रिप्लेस करना या ट्रांसप्लांट करना, तो ये इसका मेन एम होता है. फिर अल्टरिंग द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू विल बाय एडिंग, रिमूविंग और रिपेयरिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द मेन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. मतलब यदि किसी को कोई डिज़ायर फिनोटाइप चाहिए, यानी फिनोटाइप चेंज करना है ऑर्गेनिज्म का, उसका फिजिकल अपीरियंस चेंज करना है, तो क्या करेंगे, उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या रिपेयर करेंगे उसके जेनेटिक मटेरियल को. तो इसमें अलग अलग टेक्निक आती है, जैसे जीन थेरेपी है, जीन मैनिपुलेशन, जीन ट्रांसप्लांटेशन. और फिर अगला जो एम है वो है टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल विथ डिज़ायर्ड कैरेक्टर. मतलब ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करना जो हमको उनमें क्वालिटी चाहिए, डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में. मैपिंग ऑफ जीन फाउंड इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल्स. जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल, उनकी मैपिंग. देन टू डेवलप डायग्नोस्टिक किट फॉर वेरियस डिसीजेज ऑफ ह्यूमन बींग. इसकी हेल्प से डायग्नोसिस किट भी बना सकते हैं अलग अलग डिसीजेज के लिए ह्यूमन बींग में. देन टू डेवलप वेरियस स्पीशीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप. क्रॉप्स की और एनिमल्स की डोमेस्टिक स्पीशीज डेवलप करना. डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाना, ये भी इसके मेन एम है. देन टू डेवलप डिसीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप. क्रॉप जो है वो बहुत सारी हर साल मतलब बर्बाद होती है, किसके कारण? डिसीजेस और इंसेक्ट के कारण. तो ऐसे क्रॉप्स बनाना जो उन डिसीज और इंसेक्ट के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंट हो. ऐसे जीन उनमें डाले जाते हैं इस टेक्निक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से. टू रिप्लेस डिस्टर्ब्ड एंड डेंजरस जीन्स. डिस्टर्ब और डेंजरस जीन्स को रिप्लेस करना. देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में भी इसका यूज़ होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. एंड टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट. प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना. तो ये सारी चीज़ें ये जो हैं इसके एम्स हैं, ठीक.
ठीक है। अब इसका देखते हैं हम स्टेप्स, है ना, और इसे कहते हैं हम, ये जो पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, मतलब जो ये प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स। सबसे पहले ऐसे डीएनए को पहचानना जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार जीन्स हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए जिसको हमने पहचाना है, जिसमें हमारी ऐच्छिक जीन्स हैं, उसको किस में ट्रांसफ़र करना, होस्ट में। देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ दैट डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब उसका मेंटेनेंस करना होस्ट में और उसको उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र। तो ये स्टेप्स जो है यहाँ पर होती है, ठीक है। अब टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें क्या इंक्लूड है, इस टेक्निक में क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसका यूज़ होता है इन जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है इसका यूज़ किस में होता है, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र में। इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस डिज़ायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्या हेल्प करता है ये, कि हमारे डिज़ायरेबल जीन्स जो हम चाहते हैं उनको टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड अनडिज़ायर्ड जीन गेटिंग मल्टीप्लाइड अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड जीन। और इससे क्या होता है कि जो अनडिज़ायर्ड जीन है, जो हमें नहीं चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर रुक जाता है, अवॉइड कर देते हैं ये, और केवल जो डिज़ायर्ड जीन है वही हमको उस टारगेट ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। तो ये इसकी स्टेप्स जो है वो होती है। अब देखिए, इसके लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। टूल्स यानि जो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, बायोलॉजिकल टूल्स हैं ये, जो कि डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल असेंशियल है, इनके बिना ये नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए, वैसे तो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो है वो है फॉरेन डीएनए, मतलब जो डीएनए हमको इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, ये फर्स्ट है फॉरेन डीएनए। द डीएनए सेगमेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म बाय वेक्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए। मतलब जो डीएनए हम पहचानेंगे और उसको हमको इंट्रोड्यूस कराना है होस्ट में, तो वो है फॉरेन डीएनए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर, जो कि टूल है, जो कि चाहिए ही चाहिए, वो है एंजाइम। एंजाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर होता है, एंजाइम्स, ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स हैं। और तीसरा जो है वो है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ये तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन डीएनए आपको समझ में आया, फॉरेन डीएनए यानी डीएनए का सेगमेंट जो कि हम किसी ऑर्गेनिज्म से लेंगे, हमारा जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर उसमें है वो फॉरेन डीएनए है। ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी डीएनए विच इज़ सिंथेसाइज्ड ऑन एमआरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यानी ये जो है एमआरएनए पे बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है सिंथेटिक डीएनए, इट इज़ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम फ्री न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से, किसकी हेल्प से, फ्री न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट की हेल्प से, और इसमें एंजाइम जो काम करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर तीसरा होता है रैंडम डीएनए, इट इज़ द एंटायर डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ ब्रोकन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम के साथ वाला डीएनए है ऑर्गेनिज्म का, जिसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ के और फिर होस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये फर्स्ट जो है वो है फॉरेन डीएनए। तो ये हम तीन प्रकार के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेटिक और रैंडम। फिर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो जो हैं कौन कौन से, देखिए,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम हमको चाहिए? फर्स्ट होता है लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम्स की। तो फर्स्ट जो है वो है लाइजिंग एंजाइम, विच आर यूज टू ओपन द सेल और डिजोल्व द सेल वॉल। देखिए, यदि हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म से डीएनए चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी सेल को ब्रेक करना पड़ेगा या सेल वॉल को डिजोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो एंजाइम ये काम करता है वो कहलाता है लाइजिंग एंजाइम। इसका एग्जाम्पल है लाइसोजाइम्स। इट इज़ यूज टू डिजोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिजोल्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो पहला जो एंजाइम चाहिए वो क्या है? लाइजिंग, ठीक है, लाइजिंग एंजाइम। फिर उसके बाद दूसरा है क्लीविंग एंजाइम, और ये क्या काम करते हैं? क्लीवेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे ये। तो इसमें भी देखिए तीन है। पहला होता है एक्सोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम क्या करता है? दिस एंजाइम कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 एंड और 3 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कट करने का ये काम करेगा। फिर एंडोन्यूक्लियस, दिस एंजाइम कट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट बट नॉट एट द एक्सोन्यूक्लियस। जो है वो एंड्स पे कट करता है, या तो 5 एंड पे या 3 एंड पे। आपको पता है ना कि डीएनए में क्या होता है? पूरी चेन होती है, और ये 5 एंड, एक होता है 3 एंड। तो जो इधर यहाँ से कट करेगा, यानी कॉर्नर कॉर्नर पे जो कट करता है, वो होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो बाहर है ना, तो ये होगा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरे जो कि कहाँ पर कट करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल को? एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट कर देंगे, लेकिन एंड्स पे नहीं कर पाएंगे, वो होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ऐसे दो एंजाइम हैं, और जो मेन है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दिस एंजाइम क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इनटू स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट बियरिंग वन और फ्यू जीन्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड द रिकॉग्निशन साइट हैविंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मतलब ये जो एंजाइम है वो डीएनए के फ्रेगमेंट, यानी क्रोमोसोम में जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट में कट कर देता है रिकॉग्निशन साइट पे, यानी जो जीन्स हमको चाहिए जिसमें केवल एक, जैसे ये देखिए क्रोमोसोम, उसके ऊपर ये जीन्स है, हमको केवल ये दो जीन्स चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से इस डीएनए के पार्ट को कट करेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? बेस पेयर सीक्वेंस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड सच एज द वर्ड MADAM, MADAM इधर से भी, MADAM उधर से भी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। इसके बिना हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना हमको यदि फ्रेगमेंट चाहिए तो उसको कट करने का काम यही करता है। वहाँ से इस टुकड़े को कट करेगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है वो डीएनए के हमको इससे मिलेंगे, और इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं इसे? आणविक कैची, ठीक है। क्या बोला इसे? मॉलिक्यूलर सीजर इसे कहा जाता है, आणविक कैची इसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है एंजाइम रहता है ईकोलाई में, ईकोलाई बैक्टीरिया। इसको डिस्कवर किया था स्मिथ और नथान नाम के साइंटिस्ट ने 1970 में। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी फॉरेन डीएनए को उनमें आने से ये रोकता है। तो बैक्टीरियाज में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इसके बाद होते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ये दो, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उसके बाद होता है लाइगेज, ठीक है, ये लाइगेजेस। ये लाइगेजेस जो है ये क्या करता है? एंजाइम जॉइन और सील द गैप बिटवीन डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी लाइगेज क्या करेगा? डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है।
फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेसिस, दिस एंजाइम्स एक्ट ऑन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये फॉस्फेट ग्रुप पे वर्क करेगा और डीएनए का 5 एंड जो है वो बनाएगा। उसके बाद थर्ड जो चीज़ चाहिए होती है वो है क्लोनिंग वेक्टर्स, है ना, ये वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, द डीएनए विच इज़ यूज्ड एज ट्रांसपोर्टर और कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग डिजायर्ड फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इनटू सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर डीएनए। मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने कहीं से काटा है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, लेकिन उसको होस्ट में भेजना है हमको, तो किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ के भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो डीएनए है जिसके साथ हम इस फ्रेगमेंट को जोड़ेंगे, वो जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर डीएनए। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड डीएनए, कॉस्मिड और लैम्डा फेज, ठीक है। प्लाज्मिड और कॉस्मिड का इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आपको क्लियर हो रहा है, प्लाज्मिड का यूज़ कर सकते हैं, वायरस का यूज़ कर सकते हैं और कॉस्मिड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखिए क्या हो रहा है, सपोज़ कीजिए ये एक पूरा डीएनए है, इसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा कट किया, ये कट हो गया, अलग आ गया है, लेकिन इसको हमको किसी होस्ट में भेजना है, इसको हमको भेजना है यहाँ पर होस्ट में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, इस जो टुकड़ा है इसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। ये इतना सा टुकड़ा तो इसमें भेज नहीं सकते, पूरा का पूरा डीएनए भेजना है, तो इसको इस पार्ट में जोड़ देंगे। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये फॉरेन डीएनए है, और ये जो रेड वाला है ये क्या हो गया, होस्ट डीएनए, सॉरी वेक्टर डीएनए, है ना। तो ये वेक्टर के साथ इस फॉरेन को जोड़ के और अब इस होस्ट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आइडियल वेक्टर की, वो क्या होना चाहिए, इट हैव अ कैपेसिटी ऑफ डुप्लीकेशन, उसमें डुप्लीकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होना चाहिए जिससे कि ये इजीली ज्वाइन हो पाए जीन्स के साथ। देन इसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन ईजी होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी डिग्रेडेड इनसाइड द होस्ट, यानी होस्ट में जाके उसको ख़त्म नहीं, डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी होना चाहिए वेक्टर में, और वेक्टर के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर जो इस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है ये। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी थोड़े छोटे होते हैं और इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। इसके एग्जांपल है PUC, ई कोलाई में मिलता है, ये इम्पोर्टेंट प्लाज्मिड है ई कोलाई में पाया जाने वाला। फिर दूसरी जो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो है वायरस, ठीक है, कुछ वायरस जिनमें लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शो करते हैं होस्ट सेल में और होस्ट के लिए वो हार्मफुल नहीं होते, तो इनके थ्रू भी जो फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट में भेजा जाता है। तो ऐसे जो वायरस हैं जो वेक्टर डीएनए में यूज़ किए जाते हैं वो हैं बैक्टीरियोफेज, देन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, हर्ब्स एंड एडिनो वायरस। और तीसरे जो वेक्टर के रूप में यूज़ होते हैं वो हैं कॉस्मिड, ठीक है। कॉस्मिड्स आर स्मॉल साइज क्लोनिंग वेक्टर, इट प्रोड्यूसेस कोहेसिव और निक्ड एंड व्हेन ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये वेक्टर के रूप में यूज़ की जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पर और क्या होना चाहिए, इनके अलावा, तीन के अलावा यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास होस्ट ऑर्गेनिज्म और बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर चाहिए, ये सारे टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। अब इसके बाद ये देखिए वही दिया है पूरा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, है ना, जो कि कट कर देते हैं डीएनए को जहाँ से हमको चाहिए, ठीक। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब इन्वर्ट रिपीट,
which have the same nucleotide sequence when read in 5-3 on both the strand. जैसे ये वर्ड, या फिर मैंने एक आपको ये वर्ड बताया था MADM, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, MADM इधर से पढ़ने पे भी और MADM इधर से पढ़ने पे भी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्क है। ये देखिए ऐसे अलग अलग कि यहाँ से हमको ये इतना पीस कट करना था तो ये इन्होंने ये कट किया है, या यहाँ से ऊपर वाला इतना और ये, तो इस टाइप से ये पूरा वर्क करते हैं। फिर नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपको इसके दो नाम बताए मैंने, इसके दो टाइप्स हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, एंड्स पे कट करता है 5 या 3 एंड पे डीएनए मॉलिक्यूल को, और एंडोन्यूक्लियस जो है कहाँ पर करता है, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट कर सकता है केवल एंड्स को छोड़ के, ठीक है। अब डिजायर्ड जीन कौन सा होगा, द फंक्शनल और नॉर्मल जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट टेकन फ्रॉम डोनर सेल, यानी जहाँ से हम उस जीन को लेंगे, फंक्शनल और नॉर्मल जीन को जब किसी से भी लेंगे, डोनर यानी देने वाले से लेंगे, तो वो हमारा डिजायर्ड जीन हो गया, इसको फॉरेन जीन नाम दिया है हमने, ठीक है, या ट्रांस जीन। फिर जो पॉलीमरेज एंजाइम हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, तो ये भी 3 है 1, 2 और 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, जो कि सिंथेसाइजिंग एंजाइम का काम करेंगे यहाँ पर। फिर डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज का काम आपको क्या बताया, जॉइन द टू स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा, इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्टिकर्स इन स्टिचर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसको डिस्कवर किया था HG क्रोमा नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। ये भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो फ्रेगमेंट्स में डीएनए यदि बनता है तो उसको जॉइन करने का काम डीएनए लाइगेज ही करता है। वेक्टर आपको बता ही दिया है कौन कौन का यूज़ करते हैं हम, प्लाज्मिड का, फिर उसके बाद वायरसेस, ये तीनों वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और कॉस्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ पर मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं हमको, ई कोलाई बैक्टीरिया में मिलते हैं, और जो PUC है वो मेन प्लाज्मिड मिलता है बैक्टीरियल सेल में। ये देखिए ये बैक्टीरिया है पूरा और उसमें ये प्लाज्मिड्स हैं। फिर क्लोनिंग वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किसका यूज़ किया जा रहा है, प्लाज्मिड का, या तो वायरस का या फिर कॉस्मिड्स का। इसके फीचर्स भी बता दिए आपको कि इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, देन इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, इसमें आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन ईजी होना चाहिए, और होस्ट में जाके इसको डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सारी चीज़ें, ये देखिए ये क्लोनिंग वेक्टर दिया है आपको, इसमें डायग्राम दिया हुआ है देखिए पूरा, कि ये जो वेक्टर है ये कैसा होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर का ये पूरा डायग्राम है। अब होस्ट सेल, द सेल टू विच डिज़ायर्ड न्यू जीन इज इंट्रोड्यूस, होस्ट कौन है, जिसमें हम ये पूरा, जब हम कहीं से फॉरेन डीएनए भी ले लेंगे उसको वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और उसको हम जिसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल। एनी लिविंग सेल कैन बी यूज्ड एज होस्ट सेल, होस्ट सेल के रूप में हम किसी भी लिविंग सेल का यूज़ कर सकते हैं। जनरली यूज होने वाली होस्ट सेल है ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, होस्ट के रूप में हम जनरली किसको यूज़ करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ सिंपलर प्रोकैरियोटिक सेल, सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है ये, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये, मतलब डिसीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक है ये, पैथोजन नहीं है। इट कैन बी कल्चर्ड इजीली इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आसानी से इसको कल्चर किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान, कम है इसका लाइफ साइकिल। इट कंटेन्स सेफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड मिलते हैं सेल्फ, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई कैन बी इजीली हैंडल्ड एज वेक्टर, वेक्टर के रूप में हम इसका यूज़ करते ही हैं, तो इसलिए इसको होस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा सारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स हमने आज सारे देखे,
कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसके एम्स क्या हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं सारे, कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके स्टेप्स, ठीक है, कि किस क्या क्या स्टेप्स में ये पूरी टेक्नोलॉजी होती है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड क्या है और थर्ड क्या है, ऐसे हम पूरा देखेंगे। थैंक यू।